हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम जो है एनसीईआरटी में, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथ 10th के में एक्सरसाइज 7.1 जो है वो करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है पेपर में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो उसने बोला है एक्स एंड वाई का रिलेशन हमने निकालना है, सच डैट कि हमारा जो पॉइंट है एक्स वाई है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसका मतलब जो एक्स वाई कोई हमारा पॉइंट है, उसको हम पी मान लेते हैं, वो हमारा इक्वल डिस्टेंस है दोनों पॉइंट में। इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो यही मानता हूं। तो ये हमारा पी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब जितना हमारा ये पी ए होगा उतना हमारा पी बी होगा। तो पी ए की अगर हम बात करें, जितना हमारा पी ए है उतना हमारा पी बी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये अगर ये हमारा एक्स वन वाई वन है तो ये हमारा एक्स टू वाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या आएगा, अंडर रूट, ठीक है, एक्स वन, तो एक्स में से हम माइनस एक्स टू कितना है हमारा 3, तो 3 आ जाएगा, इसका स्केल लिख देंगे, प्लस वाई वन, वाई वन हमारा वाई है, माइनस यहाँ पर हमारा वाई टू कितना है 6, तो हम -6 लिखेंगे, इसका स्केयर कर देंगे। ऐसे ही अंडर रूट, अगर ये हमारा एक्स वन वाई वन है और ये हमारा एक्स टू वाई टू बन जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, एक्स में से एक्स वन में से एक्स टू माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस वाई वन क्या है हमारा वाई, और इसमें ये करेंगे तो प्लस का 4 है तो माइनस का 4 बन जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएंगे। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ये बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। तो मैंने बोला था ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, माइनस टू ए और बी, ऐसे आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, माइनस टू ए कितना है हमारा वाई और बी कितना है हमारा 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अगर हम इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, प्लस टू ए बी, ये बन जाएगा, प्लस आगे इसको देखते हैं तो क्या बनेगा हमारा, अगर हम इसको देखते हैं तो क्या बनेगा, प्लस इसको करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर बीच में माइनस है तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस टू ए और बी, बस यही था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये कितना आएगा 9 आ जाएगा, ये कितना आएगा 6x आ जाएगा, वाई का स्क्वायर 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वाई आ जाएगा। अब इसको करते हैं तो एक्स का स्क्वायर, वाई का 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 6x आ जाएगा, वाई का स्क्वायर यहाँ पर 16 आ जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y आ जाएगा। तो ये कितना था आगे, एक्स के एक्स से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, 9 प्लस का है यहाँ पर भी प्लस का, ये भी कट जाएगा, ये अभी 6x ऐसे ही है तो 6x प्लस माइनस ये प्लस का है, इधर जाके माइनस आ जाएगा। ऐसे ही वाई स्क्वायर है, वाई से वाई कट जाएगा, यहां पर क्या है ये बस 36 है, 36 आ जाएगा, प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा। अगे क्या है 12y, 12y आ जाएगा, प्लस माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 12x, इसको इससे करेंगे ये आ जाएगा 20, इसको इससे करेंगे ये बन जाएगा 4y,
इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब अगर इन दोनों के साइन चेंज करने हो तो 12 जो है ये प्लस माइनस का है उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ये माइनस का है उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इजिकल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हमारा जो सम है वो हमने सॉल्व कर दिया है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से, ताकि और वीडियो बना सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।